थोड़ी वीडियो क्वालिटी ख़राब आएगी तो माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि ये घर में का है। तो बैग खोलते हैं ओपन। तो सबसे पहले बैग में से ये लैपटॉप वाला हटाया सिस्टम, उसके बाद निकला ये अपना टैब A7, ठीक है। ऐसा इसको साइड में रखते हैं और आप लोग को एक चीज़ और दिखाते हैं जो मुझे मिला सैमसंग की तरफ से। ये एक झोला, एक पैकेट रखने के लिए, ठीक है। तो ये है, एंड ये मैंने लिया है एक्सक्लूसिव स्टोर MI रोड WTF। तो अब चलिए करेंगे इसकी हम अनबॉक्सिंग बेड पे। तो बेड से अच्छी जगह अनबॉक्सिंग के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये हटाओ साइड में, इसको करो यहाँ पर, थोड़ा सा वेट इसको हटा दिया जाए ताकि लाइटनिंग आप लोगों के लिए आती रहे। पानी नीचे, ये नीचे खुल जा सिम सिम। तो आई थिंक अब इतनी लाइट तो परफेक्ट है। ओके, हम भी बैठ जाए यार, ओ मैं थक गया। तो ये लीड ऊपर करते हैं, टन टन। तो ये ओपन हो गया। आप लोग कहोगे वाओ, मैंने यहाँ से कुछ काटा पीटा नहीं तभी ओपन हो गया। जी हाँ, क्योंकि ये मैंने चेक करके लिया हुआ है, ये कट पीटा नहीं पड़ा। तो चेक मैंने क्यों किया, क्योंकि भाई अब फिर से रिटर्न कौन करने आएगा या कैसे कैसे क्या होगा। तो ये मेरा टैबलेट एज यूजल सबके तरह, मैं भी उसको साइड में ही रखूं। चलो रख ही देते हैं, और इस पर कुछ लिखा भी नहीं है, ठीक है। 2599 का लिखा है। और यार इसको हटाओ साइड में, उसका कोई यूज़ ही नहीं है, तो उसको साइड रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये एंड ये, तो गाइज ये रहा मेरा टैबलेट। मैंने इस पर लगवा दिया है टेम्पर्ड ग्लास पूरा फिनिशिंग। तो ये टेम्पर्ड ग्लास मुझे पड़ा 250 का। फ्रंट कुछ ऐसा है, बैक में कुछ ऐसा है। मैं इस स्टिकर को निकाल के मिलता हूँ आपसे। तो कुछ ऐसा है, मैं इसको नहीं दिखा सकता। तो मेरा है ये SMT505 मॉडल, 32GB मैंने लिया है। अब इसमें तो 32GB ही ठीक है। ये सिंगल कैमरा, वो क्या है कि ये मतलब 3GB है लेकिन परफेक्ट है। एक यहाँ पे कुछ माइक वाइक का दिया हुआ है, और ये पावर वॉल्यूम अप डाउन का, और ये पावर बटन का, ठीक। ऊपर के साइड में दो यहाँ पे स्पीकर दिए गए हैं, एंड इस साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक सिम लगता है और एक मेमोरी कार्ड लगते हैं, ठीक है। और इधर के साइड में आपको कुछ नहीं, इधर के साइड में आपको स्पीकर, टाइप सी माइक, और ये स्पीकर, फिर सिम सेम, ठीक है। अब इसको ऑन करते हैं, ये ऑन है ही, तो ज़्यादा ऑन करने की दिक्कत ही नहीं है। तो इस पर ऐसे नहीं खुल रहा है, यानी कि हम इसको ऐसे भी तो कर ही सकते हैं। जी हाँ, तो इसको ऑन कर दिया। ये अपडेट हो रहा था लग रहा है, क्योंकि मैंने सिम कार्ड डाल के चेकआउट किया था 580 KB का, तो ये अपडेट हो रहा था। कोई नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से कर लूँगा। और क्या दिखा सकते हैं आपको, सेटिंग में गए, मुझे स्पेस दिखानी चाहिए आप लोगों को, कितनी खाली मिलती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो वही है। तो ध्यान से देखिए ये आप लोग, ये रहा स्टोरेज। स्टोरेज खाली है, भरा है 13GB, खाली है 32GB में से जो ये बचा। मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दूँ, सैमसंग है तो सैमसंग इन्वायरमेंट मेरे को पसंद है। देखिए आप लोग, ठीक है, 32GB और 1.8GB मेरा रैम भरा हुआ है, और 3GB में से, तो ठीक है, परफेक्ट है, मुझे कोई उतना यूज़ भी नहीं है। और सैमसंग, ये सैमसंग मेरा फ़ोन, तो दोनों बराबर ही हैं, कोई इशू नहीं है। और कैमरे की बात रही, तो अगर आप लोगों को कैमरा टेस्टिंग चाहिए तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। अब इसको ओपन करते हैं, या दैट्स इट। तो ये मेरा डाटा केबल, एंड ये मेरा चार्जर, और इस साइड में मुझे मिलता है ये क्विक यूज़र गाइड, एंड इसको हटा के तो ये एक वारंटी कार्ड, और ये एक सिम एग्जेक्टर टूल। ये इसमें पेंसिल्स नहीं मिलते, पर अपने को कोई पेंसिल की नीड भी नहीं है। इस सबको बंद कर दिया जाए, सॉरी इसमें रख दिया जाए इस चीज़ को। इसको निकालते हैं, क्योंकि इसका तो यूज़ लगेगा बापू। चार्ज कैसे होगा, क्योंकि दोनों एक साथ चार्ज कैसे होंगे। तो इसको यहाँ पे, और टाइप सी है तो उतना कोई इशूज नहीं है। इसको भी साइड में करते हैं। तो एडाप्टर में कितने वोट का चार्जर लिखा है, ब
बस यहीं पे यही सब इन्फॉर्मेशन्स लिखे हैं। इसमें 15 वाट का तो लिखा तो नहीं है, अगर आपको 15 वाट का ही लिखा दिखा रहा है तो बताइए हमें। बेटा मैं दूसरा। ओके गाइस, इससे थोड़ा सा हिलेगा पर ये आप लोग को दिखाई देगा। इसमें 15 वाट का ही लिखा दिखाई दे रहा है, नहीं, आउटपुट है 5 वाट 1.55 एम्पियर है, ठीक है, मेड इन चाइना, ओके, और इनपुट है 100 वाट से 240 वाट, तो कुछ नहीं लिखा। और ये जो है ये तो आउटगोइंग टाइप का है गाइस, सच्ची बोल दूँ तो, मतलब ये उतना अच्छा नहीं है, ये जल्दी ही ख़राब होगा, तो इसको मुझे अच्छे से रखना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझसे आस्क कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा।